बड़े स्पीच एक मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे एक बार ज़रा बातचीत कर लेते हैं। उसका फिर प्रियंका आपसे कुछ और मेहमानों से सवाल पूछ के आपको बता देंगी कहाँ कहाँ पे आज का ट्रेंड चल रहा है। पीएसपी प्रोजेक्ट्स के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। आप प्रहलाद जी, उनसे ज़रा एक बार ये समझ लेते हैं कि उनकी कंपनी को जो ऑर्डर मिला है उसकी इंपॉर्टेंस इस समय कितनी है। मिस्टर प्रहलाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अभी आपने जो ऑर्डर जीता है 247 करोड़ रुपये का, ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके टोटल बैलेंस शीट में और इससे कितना फ़ायदा होगा सर? अभी जो हमको ऑर्डर मिला है, दो एक ऑर्डर जो है प्रिकास्ट का, सबसे बड़ा ऑर्डर है। हमने जो प्रिकास्ट फैक्ट्री इंस्टॉल किया है उसके बाद का ये फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्डर है, विच इज 142 करोड़, विच इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क फॉर एलएनटी। जो हम लोग बुलेट ट्रेन के अंदर जो प्रिकास्ट एलिमेंट की जरूरत होती है उसको पूरा करेंगे। उसके साथ अभी और भी डिस्कशन चल रहा है कि उसका स्कोप और भी ज्यादा है, सो प्रोबेबली वी मे गेट फर्दर ऑर्डर ऑफ 100 करोड़ प्लस ऑन द सेम लाइन। और जो दूसरा ऑर्डर है दैट इज फ्रॉम द सिविल कंस्ट्रक्शन पार्ट, जो बड़नगर में बहुत बड़ा एक म्यूजियम बनने जा रहा है, जो अपने पीएम प्रधानमंत्री का एक ड्रीम भी है, वो उसका जो पहला प्रोजेक्ट है उसको हमको मिला है। एंड आगे जाके भी जो अभी इंक्वायरी जो दिख रही है, जो मार्केट में जो मूवमेंट है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड और द प्राइवेट साइड, देर इज अ ह्यूज स्कोप। वैसे ही हम लोग ये क्वार्टर के शुरुआत में 4 महीने में ही 5 महीने में लगभग 1344 करोड़ के ऑर्डर पे पहुंच गए, जो हमको पहुंचना 2500 जो हमने अनाउंस किया है कि इनफ्लो ऑफ ऑर्डर ये साल का लगभग 2500 तक हम जाएंगे, उसका हमने ऑलमोस्ट मोर देन 50% तो अचीव कर लिया है। एंड लगता है कि वी विल बी एबल टू अचीव दिस इन बिफोर टाइम। राइट, तो यानी आपको ये जो ऑर्डर मिला है इसके बाद 247 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है, लेकिन आगे भी आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपकी फर्दर गाइडेंस ऑर्डर बुक को लेकर इस पूरे साल FY23 के लिए किस तरह की है। आपको कौन से सेगमेंट्स ऐसे दिख रहे हैं जहाँ से सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आ सकता है? जो ऑर्डर बुक की बात है कि अभी गुजरात इटसेल्फ हमारा जो पहले हम गुजरात के सिवा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और थोड़ा बहुत काम कर्नाटक में भी करते थे, बट इस साल ये लग रहा है कि गुजरात से ही सारे ऑर्डर अच्छे मिलने चाहिए। और जो अभी तक का भी इंक्वायरी है ये दोनों साइड से, गवर्नमेंट सेक्टर से भी और प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर से वी आर वर्किंग विद अदानी ग्रुप, वी हैव वन ऑर्डर इन रियल एस्टेट फॉर देम, वी हैव वन ऑर्डर फ्रॉम एयरपोर्ट्स आल्सो, वी हैव वन ऑर्डर फ्रॉम अदानी एनर्जी आल्सो। सो उनके सेक्टर से भी काफी अच्छे काम आ रहे हैं। दूसरा हमारा एक अच्छा जो प्राइवेट सेक्टर में काम चल रहा है आर्सलर मित्तल, उनका भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है जो हजीरा में है, उसके लिए हम अभी भी काम कर रहे हैं और उनका भी एक्सपेंशन अभी अगले 2-3 साल तक चलने वाला है। सो उधर से भी हमको ऑर्डर अच्छे मिलने की जो उम्मीद है। नेस्ले, नेस्ले का लास्ट प्लांट हमने किया था, उसके बाद उनके भी एक इंक्वायरी है जो हम एट द एंड ऑफ क्लोजर है। सो 1-2 दिन में शायद हमको मालूम पड़ेगा कि यार ऑर्डर हम गेन कर पाते कि नहीं। सो उनका भी काफी एक्सपेंशन इन नियर फ्यूचर आ रहा है। सो ऐसा लग रहा है कि गुजरात इटसेल्फ में हमको ये इस साल के जो इनफ्लो ऑफ ऑर्डर 2500 हम सोच रहे हैं उसमें गुजरात से ही काफी मिलना चाहिए। और दूसरा हमारा छोटा मोटा बिड, कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है गुजरात बाहर तो हम ज्यादातर यूपी और नॉर्दर्न गुजरात, नॉर्दर्न इंडिया में फोकस कर रहे हैं, कहीं ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी तो वहां भी ट्राई करें। प्रोजेक्ट्स के मैनेजमेंट है हमारे साथ सर। कमिंग बैक टू यू, ऑर्डर विंस और ऑर्डर पाइपलाइन की बात तो हम कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए या फिर FY23 के आउटलुक को अगर समझने की कोशिश करें, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, आपके केपेक्स प्लान्स और साथ ही डेट रिडक्शन प्लान्स क्या होंगे? सी एक्चुअली कैपेक्स प्लान, जब सिविल कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो हमारा ज्यादातर कैपेक्स शटरिंग मटेरियल और मशीनरी में होता है। और दैट डिपेंड्स, उसमें क्या होता है कि जो भी मशीनरी हमारी रहती है, जैसे कि आप आरएमसी प्लांट गिनो की शटरिंग मटेरियल गिनो, तो दैट वर्क्स फॉर 6-7 ईयर्स और मे बी आरएमसी प्लांट के अंदर फॉर 8-10 ईयर्स। सो कैपेक्स का एडिशन होते जाता है एज एंड व्हेन आपके ऑर्डर बुक ग्रो होती है 25% या 30% से, उसके अंदर जो एडिशन ऑफ कैपेक्स आता है इट इज नेवर मोर देन 3-4% टू एग्जिस्टिंग, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो मटेरियल होता है, एक प्रोजेक्ट खत्म होता है उसका मटेरियल जो फ्री होता है वो नए प्रोजेक्ट पे जाता है। और सडनली अगर आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है तो उसका एक स्पेसिफिकली कोई अपन कैपेक्स करते भी है, दैट इज यूटिलाइज फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। सो ऑन एन एवरेज जो हमारा एक्सपीरियंस 4-5 साल से रहा है, दैट इज नॉट मोर देन 3-4%।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो करीब 250 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है, और इसके अलावा ऑर्डर पाइपलाइन और केपिक्स की अगर बात करें तो कंपनी काफ़ी हद तक फोकस करके चल रही है। पीएसपी प्रोजेक्ट्स के मैनेजमेंट से हम यहाँ पर बात कर रहे थे। राजेश जी,